हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी आर किराना बिजनेस में। फिर मैं लाया हूँ एक और नई वीडियो। गाइस आज हम बात करेंगे रॉक गोल्ड रिफाइंड का होलसेल प्राइस। रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर के पेटी कितना सस्ता हो चुका है। अगर आप एक रिटेलर दुकानदार हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पेटी बहुत सस्ता हो चुका है। पहले से कहीं आपको सस्ता पड़ने वाला है और ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज हम बात करेंगे रॉक गोल्ड पेटी का होलसेल प्राइस, किरा गोल्ड रिफाइंड एक पेटी कितने का रही है होलसेल रेट, और कितना सस्ता हमें पड़ा है, और कहां से लें जो हमें सस्ता पड़े, और एक पेटी सेल करने पे कितना फ़ायदा होगा। पहले रॉक गोल्ड रिफाइंड एक पेटी सेल करने पे कितना फ़ायदा होता था, बट कैसे अभी रॉक गोल्ड रिफाइंड बेचने पर कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन किराना दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भी जान सके कि रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पेटी कितना सस्ता हो चुका है और कितना फ़ायदा होने वाला है हम रिटेलर दुकानदार को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है रॉक गोल्ड रिफाइंड, जो कि कैसी है, मैंने दो पेटी लिया हुआ है। ये रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पेटी कितना सस्ता हो चुका है और कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा अब हम रिटेलर दुकानदार को, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए रॉक गोल्ड रिफाइंड इसकी MRP जो एक लीटर की है एक पेटी पर इस तरह से लिखा हुआ रहता है 1060 रुपये। अब अगर बात करें रॉक गोल्ड रिफाइंड एक पेटी के अंदर कितना पाउच आता है, यानी कितनी पैकेट आती है, देखिए जो नए किराना दुकानदार हैं जिनको नहीं पता है कि रॉक गोल्ड रिफाइंड एक पेटी के अंदर कितना पाउच आता है, वैस मैं आपको बता दूं कि रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पेटी में कितना पाउच आता है और कितना सस्ता हमें पड़ा है रॉक गोल्ड रिफाइंड। गाइस इस पेटी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि रॉक गोल्ड रिफाइंड कितना सस्ता हमें पड़ा है। तो गाइस ये रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पेटी है, जो गाइस कुछ इस तरह से भरती होती है। आप देख सकते हैं गाइस 5 पाउच ऊपर है और 5 पाउच आपको इस तरह से नीचे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पाउच नीचे, क्योंकि गाइस मैं आपको सही से प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ कि एक लीटर की रिफाइंड एक पेटी में कितनी पाउच आती है। गाइस आप देख सकते हैं 5 नीचे और 5 ऊपर है, यानी कि एक पेटी में 10 पाउच है। अब गाइस बात करते हैं रॉक गोल्ड रिफाइंड एक पाउच में कितना 100 ग्राम रिफाइंड आता है। तो गाइस आप देख सकते हैं नेट क्वांटिटी 870 ग्राम का आता है, जो कि ये एक लीटर वाली पाउच है। अब गाइस बात करें इसकी डिस एक्सपायरी की, तो गाइस आप देख सकते हैं 2023 की बनी हुई है, जो कि इसकी एक्सपायरी है 2024 तक। तो गाइस रॉक गोल्ड रिफाइंड ये एक लीटर के पाउच में 870 ग्राम का आता है रिफाइंड। अब गाइस इसकी डिस एक्सपायरी बात करें, तो गाइस इसकी डिस एक्सपायरी है 2023 में बनी हुई है, जो कि 2024 में इसकी डिस एक्सपायरी है। गाइस आप देख सकते हैं, गाइस बात करते हैं इसकी होलसेल रेट की कि हमें कितने में पड़ी है। तो गाइस मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमें कितने में पड़ी है और कितना सस्ता पड़ा है और रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पेटी कितना सस्ता हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो गाइस ये मैंने दो पेटी लिया हुआ है, जो कि 1720 रुपये पड़ा है ये दो पेटी हमें। अब गाइस 1720 से अगर आप भाग करेंगे दो, जो कि गाइस ये मैंने दो पेटी लिया हुआ है, तो गाइस हमें ये एक पेटी पड़ा है 860 रुपये। अब गाइस 860 रुपये से अगर आप भाग करेंगे 10 पाउच, जो कि ये रॉक गोल्ड रिफाइंड एक पेटी के अंदर 10 पाउच आता है, तो गाइस हमें ये एक पाउच पड़ेगा 86 रुपये का। अब गाइस बात करते हैं इसकी बिक्री रेट की, तो गाइस इसकी बिक्री रेट है हमारे यहाँ 110 रुपये। अब गाइस 110 रुपये में से अगर आप माइनस करेंगे 86 रुपये, तो गाइस हमें ये रॉक गोल्ड रिफाइंड एक लीटर की पाउच सेल करने पे सीधा सीधा 24 रुपये फ़ायदा होगा। अब गाइस 24 रुपये से गुणा करेंगे 10 पाउच, तो गाइस हमें ये एक पेटी सेल करने पर सीधा सीधा 240 रुपये फ़ायदा होगा, यानी कि ये गाइस मैंने दो पेटी लिया हुआ है, तो गाइस ये दोनों पेटी सेल करने पर हमें 480 रुपये फ़ायदा होगा ये रॉक गोल्ड रिफाइंड सेल करने पर, यानी कि पहले से कहीं सस्ता पड़ा है हमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो चुका है रॉक गोल्ड रिफाइंड। अगर आप एक रिटेलर दुकानदार हैं तो आप जरूर परचेज़ कीजिए रॉक गोल्ड रिफाइंड, एक दो पेटी तीन पेटी आप ला के रख सकते हैं अपनी दुकान पर, क्योंकि रॉक गोल्ड रिफाइंड बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है और रॉक गोल्ड रिफाइंड का रेट बढ़ने का आगे संभावना है, क्योंकि देखिए ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा सेल होता है और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकता भी है रॉक गोल्ड रिफाइंड। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।